बिग बॉस OTT के सीजन 2 में नजर आई फलक नाज पिछले कुछ समय से सुर्खियां बटोर रही हैं। पिछले कुछ सालों में कई हिट टीवी शोज में काम कर चुकी एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। टीवी शो ससुराल सिमर का में जहां उन्होंने जाह्नवी का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने दीपिका कक्कड़ के साथ एक अच्छा बॉन्ड भी शेयर किया था। हालांकि समय के साथ दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। हाल ही में फलक ने दीपिका के साथ अपने मतभेदों के पीछे की असली वजह और उन परिस्थितियों के बारे में बात की जिनकी वजह से उनकी दोस्ती में खटास आ गई। फलक और दीपिका अब दोस्त नहीं हैं। ई टाइम्स के साथ खास बातचीत में फलक ने असल वजह बताई जिस कारण उनकी दोस्ती में दरार आई। इसके बारे में बात करते हुए फलक ने कहा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप किसी के साथ अच्छी दोस्ती में रहते हैं और सालों के बाद भी अलग हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जब आप कुछ ही घंटों में किसी के साथ लगाव महसूस कर सकते हैं। ये बॉन्ड और रिलेशन यूनिवर्स की तरह से तय होते हैं। फलक ने आगे बताया कि कैसे वो किसी के लिए एक दूसरे का ऑप्शन बनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कई बार लोगों की प्रायोरिटी बदल जाती है और मैं किसी का दूसरा ऑप्शन नहीं बन सकती, मतलब कि जब कोई फ्री हो तभी बात करे मुझसे, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे रोजाना बात करें, लेकिन जब मैं मुसीबत में हूँ तो कम से कम मेरे साथ खड़े रहो, अपना सपोर्ट दिखाओ। तुनिशा शर्मा मौत मामले में परिवार ने बहुत कुछ झेला, लेकिन दीपिका की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। फलक ने कहा कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपके दुश्मन भी आपसे पूछते हैं कि आपको किसी मदद की जरूरत तो नहीं। जब आप रिश्ते बनाते हैं तो आप लोगों से उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस घटना के बाद मैंने लोगों से उम्मीदें करना बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो वो उम्मीदें तोड़ दी है। फलक ने आगे कहा कि इन परिस्थितियों ने मुझे जीवन में प्रैक्टिकल बना दिया है और ये पूरी तरीके से ठीक है, ईश्वर उन पर कृपा करें। मैंने उनके साथ कुछ खूबसूरत पल बिताए हैं और दिल का रिश्ता था, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। फलक ने खुलासा किया कि कैसे दीपिका के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे टूट गई। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगा, ये रातों रात नहीं हुआ, प्रायोरिटी उसकी तरफ से बदली, मेरी तरफ से नहीं। बिल, क्या कहना है आपका फलक नाज के इन आरोपों पर? क्या आपको भी लगता है कि दीपिका कक्कड़ को फलक नाज के साथ दोस्ती रखनी चाहिए थी और उन्हें अब भी फलक से एक बार कॉल करके बात करना चाहिए? हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।